नीट पेपर लीक में टीवी 9 के खुलासे का असर जारी है। जी हां, टीवी 9 के खुलासे के बाद एक और गिरफ्तारी हो गई, बहुत बड़ी गिरफ्तारी बताया जा रहा है। नीट सॉल्वर गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। सॉल्वर गैंग का सदस्य पिंटू गिरफ्तार किया गया है, झारखंड के देवघर से इसकी गिरफ्तारी हुई है पिंटू की। और सॉल्वर गैंग का बड़ा सदस्य बताया जा रहा था, इसी ने ही पर्चे या इसी ने ही प्रश्न पत्र बांटे थे छात्रों को। चार लोग और भी हिरासत में लिए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है पिंटू के रूप में, और पिंटू से कई राज का पता चलेगा। तो टीवी 9 भारतवर्ष की ये मुहिम है जो लगातार जारी है। एक के बाद एक कई खुलासे टीवी 9 ने आपके सामने किए हैं और जिसका असर भी हुआ है। सवाल ये है कि छात्रों का गुनहगार कौन है? क्या नए कानून से पेपर लीक पर नकेल लगेगी जो लेकर आई है केंद्र सरकार? उदाहरण से अब आपको समझाते हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ, 24 लाख छात्र प्रभावित हुए। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, कैंसिल हुई, करीब 9 लाख छात्र इससे भी प्रभावित हुए। कल सीएसआईआर नेट की परीक्षा रद्द की गई, कैंसिल की गई, जिससे 2 लाख छात्रों पर बड़ा असर पड़ा है। बिहार में टीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा उसी दिन रद्द कर दी गई। 29,000 परीक्षार्थी थे जिस पर असर पड़ा है। तो बड़ी खबर यह है कि देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। अब इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए, नकल पर नकेल कसने के लिए ये सख्त कानून लाया गया है। पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा है इस कानून में। 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा अपराधी पर। और आइए अब आपको नए कानून के बारे में बताते हैं जिसे लागू कर दिया गया नकेल कसने के लिए पेपर लीक मामले पर। नए कानून में प्रावधान क्या है, देखिए। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा होगी दोषी को, अगर दोषी पाया गया। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। पेपर लीक के संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा होगी, 10 साल तक की कैद। और इसके अलावा इसके प्रावधानों में पेपर लीक के संगठित अपराध में 1 करोड़ का जुर्माना भी अपराधियों पर लगाया जाएगा। एजेंसी को संपत्ति जब्त कुर्क करने का अधिकार होगा, जो जांच एजेंसियां हैं और जो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो नए कानून में ये प्रावधान है। अब आपको बताते हैं कि नए कानून के दायरे में जो परीक्षाएं होंगी वो क्या होंगी। देखिए, यूपीएससी इसमें आएगा, एसएससी इसमें आएगा, रेलवे बोर्ड इसमें आएगा, बैंकिंग बोर्ड इसमें आएगा, और एनटीए भी इसमें आएगा, जिस पर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो नया बोर्ड है उसमें इस दायरे में परीक्षाएं आएंगी और इसके बाद पारदर्शिता बरती जाएगी इस नए कानून के तहत। इसके अलावा आपको बता दें कि भोपाल से शुभम गुप्ता छात्रों के साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ एक और सहयोगी ध्वज आर्या भी जुड़ रहे हैं जयपुर से, उनके पास भी चलेंगे। पटना से रूपेश हमारे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक कई खुलासे हुए और आज क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। दिल्ली से पीयूष पांडे भी हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से हरपिंदर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पूरी तरह से हमारे सहयोगियों की टीम इस वक्त मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले भोपाल चलते हैं, जहां पर शुभम गुप्ता छात्रों के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये छात्र ही हैं जो बताएंगे कि आगे भविष्य को लेकर क्या कुछ उनके जहन में सवाल चल रहे हैं। शुभम, ओवर टू यू, बातचीत कीजिए छात्रों से, क्या सवाल है उनके? निधि, मेरे साथ वो छात्राएं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, लंबे वक्त से वो तैयारी कर रही थी, और आप देखिए कि किस बैकग्राउंड से आती हैं, कितनी परेशानी में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान भगोरिया है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा कारपेंटर हैं और हम ही जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत करके ये एग्ज़ाम निकाला था। अगर एनटी रीनीट नहीं कराती है तो लाखों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा साहू है। सर, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ यहाँ पढ़ाई करने के लिए, और मैं नीट की तैयारी कर रही थी। लेकिन सर, एनटीए ने इतना बड़ा मतलब गलत किया है। एक तो पेपर स्किम हुआ, वो भी लीक हुआ, उसका भी उनने कुछ एक्शन नहीं लिया, और तो ना तो वो कुछ बता रहे हैं कि क्या कैसा करेंगे। रीनीट होने का भी उनने डेट पे डेट दिया जा रहा है, 8 जुलाई का टाइम दे दिया है उनने। कितने परेशान हैं आप और ख़ासतौर पर आपके पेरेंट्स भी? बहुत परेशान हैं वो। इतने छोटे गाँव से हम लोग आए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ रीनीट मतलब पेपर ही वो हो रहा है। नेट मतलब रीनेट होना ही चाहिए। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिबा मिर्ज़ा है और मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से आए आप यहाँ पढ़ाई करने? जी, यूपी से हूँ, बट हमने इतनी मेहनत की लेकिन लग नहीं रहा है देख कर कि हमारा रिजल्ट ऐसा आया है, और रीनेट होने का भी कोई चांसेस नहीं है, डेट पे डेट आ रही हैं।
तो हमें तो रीनेट चाहिए या रीचेकिंग चाहिए। आप? मेरा नाम अनुराधा साहू है, हमें भी रीनेट चाहिए, इतनी मेहनत करिए, एक साल लगाए, ऊपर से पेपर भी लीक हो गया और हमें डबल की से रीनेट चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रीनेट होना चाहिए। रीनेट? हाँ रीनेट। आप लोग? रीनेट होना ही चाहिए। रीनेट होना ही चाहिए। रीनेट होना ही चाहिए। आपसे बात करते हैं सर, यहाँ आ जाइए। आप बताइए, सारे स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है, क्या कहेंगे, कितने परेशान? देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अलग अलग गाँव से मध्य प्रदेश में बच्चे तैयारी करने आते हैं। आज के समय हमारे देश का किसान आज हिम्मत कर रहा है बच्चों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसके साथ ऐसा होता है कि पेपर लीक की उसको सुनाई देता है या उसको पता चलता है कि पेपर में स्कैम हुआ है तो उसका मनोबल टूटता है। ये NTA का जो स्कैम है कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इन्फ्लेट हो गई है। मतलब कि जहाँ 600-650 वाला बच्चा सोचता था कि मुझे एम्स मिल जाए, आज वो सोच रहा है कि मुझे MBBS में एडमिशन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रिपल ट्रिपल रैंक में अंतर आया है। कल 23 जून को रीनीट होने वाला है, ये उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन लोगों ने 1560 बच्चों ने जिन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमारा एग्ज़ाम ऑल में टाइम वेस्ट हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या कसूर हमारे देश के, जिनके पास लीगल एडवाइज़र नहीं थे, जो कोर्ट में केस नहीं कर सकते थे, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है, जब रीनीट का मौका उनको मिल रहा है तो फिर इन आम बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन निधि ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वो स्टूडेंट्स 1500 से ज़्यादा जो अपने लीगल एडवाइज़र के जरिए, वकील के जरिए कोर्ट का दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया, उनका तो रीनीट हो रहा है, मगर ये स्टूडेंट जिस किसी के पिता मजदूर हैं, किसी के कर्मचारी हैं, किसी के किसान हैं, कोर्ट तक नहीं जा पाए, उन स्टूडेंट्स का क्या रीनीट? जी कानून को लेकर क्या कह रहे हैं, जो नया कानून लेकर आई है सरकार, क्या भरोसा है सर छात्रों को? आप लोगों को सरकार पर भरोसा है जो नया कानून भी सरकार लेकर आई है, उस पर भरोसा हो रहा है अब आप? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ने तो मजाक समझ के रखा है ना, जो भाई गरीब व्यक्ति है जो नहीं कर पा रहा है, जाकर कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत महंगे पैसे हैं जो कर सकते हैं छात्र, और रीनीट की बात कर रहे हैं, यानी नीट परीक्षाएं दोबारा हो, इन नीट परीक्षाओं को रद्द किया जाए जो हो चुकी है। और नीट तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है डॉक्टर्स बनने के लिए, लेकिन 9 दिनों में 3 परीक्षाएं रद्द भी हो चुकी है। जयपुर से ध्वज भी हमारे साथ हैं। शुभम, मैं आऊंगी आपके पास। ध्वज, आप बताइए, वहां पर छात्रों से जब आपने बातचीत की तो क्या कह रहे हैं छात्र, वहां पर भी यही चाहते हैं कि नीट के एग्जाम दोबारा हो? देखिए नीट और जो नेट का एग्ज़ाम है, जिस तरीके से जो स्थितियां बनी है और जो परिस्थितियां बनी है पूरे देश भर में, उसके बाद में नया कानून लाया गया, उस कानून को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और ये जो नया कानून आया है जो 5 साल की सज़ा है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, इसको लेकर सबसे पहले बताइए। जी मेरा नाम मुकेश है, और कानून तो देखो आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन कानून का पालन ज़रूरी है। कानून का पालन होता ही नहीं, क्योंकि अभी देखते हैं NTA ने जितनी एग्ज़ाम करवाई लगभग सारी कैंसिल हुई हैं, या फिर घोटालेबाजी का आरोप लगा सही भी लगा है, क्योंकि नीट में घोटाला हुआ, अभी नेट का एग्ज़ाम था उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो ऐसे तो फिर युद्ध जो पढ़ता है स्टूडेंट, दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, वो तनाव में आ जाएगा, मानसिक तनाव तो स्वाभाविक ही आना आएगा ही। तो ये है कानून ले आओ, लेकिन कानून का पालन होना जरूरी है। लेकिन परीक्षार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दूर से आता है, अगले शहर से आता है, फिर यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं और काफ़ी जो पैसा है उनका खर्च होता है, लेकिन अचानक से उसको सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जो 18 को आपने दिया नेट का एग्ज़ाम दिया आपने, 18 को 19 को कैंसिल हो गया, इस पर देखो एग्ज़ाम देता है स्टूडेंट तो एक खुशी भी होती है, और जब वो कैंसिल होता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उस स्टूडेंट के लिए? दुर्भाग्य ये होता है अगर वो अच्छा एग्ज़ाम गया उसका, फिर वो कैंसिल होता है तो फिर उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, पैसे ख़राब होते हैं, समय ख़राब होता है, वो आगे और तैयारी किसी और के करता तो वो ख़राब होता है, हर चीज़ में मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, बात यह है कि एग्ज़ाम ही सही कंडक्ट होने चाहिए, पारदर्शी कंडक्ट होने चाहिए, यानी कि स्थायी समाधान होना चाहिए। आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपको इस बारे में, नया कानून भी आ गया? सर मैं आशीष माहौर, कॉमर्स से मैंने नेट दिया था इस बार, नेट 18 जून को मैंने दिया, और 19 तारीख को जब मैंने रात को ट्विटर देखा तो उसमें नेट की साइट पे आ रखा था कि आपका परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो बड़ी दुख की बात हुई मुझे कि मैं पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था इसको लेकर, और नेट एग्ज़ाम फिर रद्द हो गया। आपके जो पेरेंट्स हैं क्या जवाब दिया आपको उन्होंने? पेरेंट्स तो यही कह रहे थे कि हम आपके लिए पैसे भेजते हैं और
कि 10,000 रुपए मंथली खर्च होता है मेरा यहाँ पर, क्योंकि रहने खाने का। और ध्वज आप बने रहिए, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। और ये नेट इस पूरे मामले के बाद, इस पेपर लीक के बाद भरोसा छात्रों का टूटा है, और इसीलिए कानून लेकर तो आई है सरकार, लेकिन भरोसा नहीं बढ़ पा रहा है। पटना की बात करें तो इस पूरे पेपर लीक मामले में एपिसेंटर जो है वो बिहार रहा। बड़ी खबर आपको बता दें, फिर रूपेश के पास चलेंगे, जहाँ छात्रों को सवाल रटवाए गए, जो ये सॉल्वर गैंग था, इसे जहां छात्रों को सवाल रटवाए गए वहां तक TV9 भारतवर्ष पहुंच गया है। रूपेश कुमार वहीं पर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहे हैं। रूपेश, रूपेश ओवर टू यू, वहां पर आप मौजूद हैं जहां पर रटवाए गए थे छात्रों को सवाल। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो NH का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और TV9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया, और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था, और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है, सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नज़र आए हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नज़र नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि AC भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं यहाँ पर, एक लर्न प्ले स्कूल लर्न बॉयज़ हॉस्टल और एक लर्न प्ले स्कूल, और ऊपरी तल्ले पे ऐसा लगता है जैसे कोई रहता है। लेकिन ये जो मकान है, ये प्रभात रंजन मुखिया, जो नगर नौसा जहाँ का संजीव मुखिया रहने वाला है, नालंदा का, नगर नौसा के ठीक बगल में दनियावा है, और दनियावा का ही रहने वाला ये प्रभात रंजन, जो प्रभात रंजन का ये मकान है। लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला था जो इसी रास्ते से होकर आगे वो अगले मकान में कुछ पिछले 1.5 वर्षों से रह रहे हैं किराए पर, उन्होंने बताया कि ये स्कूल पिछले 1.5 वर्षों से कभी भी खुला हुआ नहीं देखा गया है, कि स्कूल नाम का कोई यहाँ पर संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे आते हों, जहाँ पर पठन पाठन होता हो। यानी कि सिर्फ एक आई वॉश के लिए कहीं ना कहीं ये लर्न प्ले स्कूल नाम दे दिया गया है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ नीट एग्जाम पेपर नहीं लीक नहीं, बल्कि जितने तरह के पेपर लीक होते हैं जिनसे पटना का कनेक्शन है, उसका ये सेफ हाउस है। और ये जो पूरा गिरोह है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, प्रभात रंजन मुखिया हो, चिंटू हो, पिंटू हो, सबका कनेक्शन नालंदा से है। ये जो मकान है जिसके नाम पर ये मकान है, ये प्रभात रंजन का मकान है। प्रभात रंजन भी दनियावा के मुखिया हैं, और दनियावा नगर नौसा का से ठीक सटा हुआ इलाका है। नगर नौसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि नगर नौसा का ही रहने वाला संजीव मुखिया, संजीव मुखिया के राइट लेफ्ट हैंड है चिंटू और पिंटू, जिसमें चिंटू की गिरफ्तारी अभी देवघर से हुई है। लेकिन हम यहां तक बहुत बॉयज हॉस्टल भी लिखा हुआ है, क्या बॉयज हॉस्टल भी चल रहा था यहां पर? आप कह रहे ऊपर वाले माले पर कोई रहता है? देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहां पर आपको दिखलाता हूं, ये लर्न बॉयज हॉस्टल यहां पे लिखा हुआ है, द रियल होमली एटमोस्फियर, लर्न प्ले स्कूल, ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर किड्स, लर्न बॉयज हॉस्टल। ये लर्न बॉयज हॉस्टल जिसका शायद ये दरवाज़ा है, और ये लर्न प्ले स्कूल का ये दरवाज़ा, और ऊपर से अगर आपको दिखलाएं तो ऊपर एक आशुतोष नाम के व्यक्ति, काफ़ी दिनों तक वो किराए पे यहाँ पे रहे हैं, आसपास के लोगों ने ये बताया, हालांकि आसपास बहुत लोग नहीं रहते हैं, लेकिन एक मकान है जहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उन्होंने बताया कि ऊपर एक बार पूजा पाठ के क्रम में वो ऊपर गए थे, हालांकि वो भी पिछले दिनों से यहाँ नदारद हैं, लेकिन आशुतोष नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, 2 बच्चे और पत्नी के साथ यहाँ पर रहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं हैं, और उनका कहना था कि वो यहाँ पर किराए पर रहते हैं। लेकिन नीचे ये जो लर्न प्ले स्कूल लर्न बॉयज हॉस्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्न बॉयज हॉस्टल लर्न प्ले स्कूल, ये पूरी तरह से वो अड्डा है जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, लेकिन इस पूरे गैंग का ये अड्डा है, और यहीं पर रह करके वो तमाम काम, इस बार भले ही ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पर
20 से 25 छात्रों को यहाँ पे रखा गया, जो पूछताछ हुई छात्रों से पूछताछ के क्रम में, चाहे वो आयुष राज हो या फिर शिवनंदन हो या फिर अनुराग यादव हो, उनसे पूछताछ के क्रम में इसका पता चला है, जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है। और तमाम बातों का जब खुलासा हुआ है तब इसका जिक्र आया है। अब पुलिस इस बात की जरूर तहकीकात करे कि क्या सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में इस सेफ हाउस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस पूरे इलाके को देखते हुए जितना दुरूह ये इलाका है, दुर्गम एक तरह से कहें, पटना का आउटर है ना, सड़क है, यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल, लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि इस इलाके में कोई एक बात और बताइए, जो संजीव मुखिया बताया जा रहा है किंगपिन इसका, क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने हर एक उस ठिकाने को, हर एक उस बात को, जो छोटी छोटी बात जो पेपर लीक से जुड़ती हो, ना सिर्फ उन बातों को बल्कि उन ठिकानों को, उन अड्डों को, उन जगहों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो मंत्री जी हो, संतरी जी हो या फिर चपरासी संजीव मुखिया ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति को, उनकी बातों को, उनके कनेक्शन को और उनके अड्डों को हमने दिखाया है। लिहाजा हम पहुंच गए लर्न प्ले स्कूल, जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, और यहीं पर 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहां पर 20 से 25 की संख्या में, और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई रूपेश, अगर आप सुन पा रहे हैं, यादव की अलग जिम्मेदारी, एक सवाल ये जरूर है कि क्या ये सेफ जोन यहां पर बनाया था, उसी तरह अमित आनंद के साथ 7 बच्चे थे, वो अपने बच्चों को कलेक्ट करके फिर यहां पर लेकर के यहां पर पहुंचे थे, नीतीश कुमार की अलग जिम्मेदारी थी, नीतीश कुछ बच्चों को लेकर, कुल मिलाकर के जो पूछताछ में जो इकबालिया बयान है उसमें 20 से 25 बच्चों का जिक्र आया है, जिसमें से 4 बच्चे गिरफ्तार हैं, 4 छात्रों को गिरफ्तार करके अभी बेल जेल में, उनके भी इकबालिया बयान है कि उनको मुझे लगता है रूपेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, यहीं पर उन्हें क्वेश्चन पेपर दिए गए, रूपेश तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा रूपेश आपके पास आऊंगी, बहुत डिटेल में जानकारी रूपेश दे रहे हैं, जिस जगह पर ये सवाल रटवाए गए थे छात्रों को, और ये एक बहुत 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 संगीन आरोप सॉल्वर गैंग पर लगा, रूपेश के पास दोबारा चलेंगे, मुझे लगता है उनका फोन कट गया है और वो सुन नहीं पा रहे हैं सवाल को। जी जी रूपेश आप बताइए, जी रूपेश सुन पा रहे हैं आप, जी बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं रूपेश, एक सवाल ये जरूर है जो जानना चाहते हैं दर्शक, ये जो सॉल्वर गैंग का खुलासा किया आपने, ये सॉल्वर गैंग यहाँ पर आया था, ये सेफ जोन बनाकर रखा हुआ था, जी देखिए बिल्कुल सॉल्वर गैंग यहाँ आया था, और सॉल्वर गैंग का ये अड्डा है, और यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं, चिंटू पिंटू यहाँ पर पहले से मौजूद थे, चिंटू पिंटू की ही निगरानी में उन्होंने ही यहाँ पर सारी व्यवस्था कर रखी थी, और सिकंदर यादव अपने 5 बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचा था, सिकंदर यादव जिसका एक रिश्तेदार है अनुराग यादव, सबसे पहले सिकंदर यादव ने अनुराग यादव और उसकी माँ को जो NH का गेस्ट हाउस है वहाँ पर रखा था, लेकिन वहाँ से 5 बच्चों को इकट्ठा करके सिकंदर यादव भी यहाँ पहुँचा था, अमित आनंद भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचा था, नीतीश कुमार भी अपने बच्चों को लेकर यहां पहुंचा था, जहां पर पहले से चिंटू और पिंटू जो संजीव मुखिया के दाहिने हाथ हैं वो यहां पर मौजूद थे, सारे बच्चों को यहां पर रखा गया, रखने के बाद से 9:30 बजे के आसपास रात में चिंटू के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र आते हैं, और उसके पहले सारे बच्चे यहां पर पहुंच गए थे, सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं जो बच्चों को लेकर आए थे, रोक रही हूं रूपेश मैं आपके पास दोबारा आ रही हूं, एक ब्रेकिंग बता दें जल्दी से, पटना लर्न हॉस्टल में सॉल्वर गैंग का अड्डा था, रूपेश बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 4 मई को 20 से 25 छात्र यहाँ पर ठहराए गए थे परीक्षाओं से पहले, नीट परीक्षा से पहले, और छात्रों को सवाल जवाब याद करवाए गए थे, रूपेश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि पूरा अड्डा बना के रखा था, सभी सॉल्वर गैंग के सदस्य अपने अपने छात्रों को यहाँ पर लेकर आ रहे थे, रूपेश आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ देखिए बिल्कुल जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जी हाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और हम आपको एक बार और ऊपर लेकर के चलते हैं, हम एक बार और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने मकान हैं आसपास के इलाके में, ये सामने का मकान है, और ऊपर हम दिखलाते हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के रहने के निशानदेही जरूर आपको दिखेगी, और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है, और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है, और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं, जो एक मुझे पता चला कि आशुतोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन आसपास का आप इलाका देखिए, कूड़े का ढेर है,
और पूरा वीरान, खाली ज़मीनें हैं। कुछ दूर पर आप देखेंगे तो कुछ मकान वहाँ पर बनते हुए आपको दिखलाई देंगे, यानी कि एक तरह से जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है, मुफीद माहौल है उनके लिए। ना आसपास कहीं ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा लोग हैं। आप सामने भी ये मकान देखिए, सिर्फ ये मकान बन ही रहा है। और यहाँ पर ये बताइए, क्या ये मकान कुछ कोई रहता है यहाँ? आप लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। जी जी जी। इसमें कोई कभी देखे, कितने दिन से यहाँ मकान बना रहे हैं? करीब 10-15 दिन से है। यहाँ कोई दिखा इस मकान में? नहीं दिखा, नहीं दिखा। अभी तो कोई नहीं दिखा? नहीं, हमें नहीं दिखा। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से कर रहे हैं। आप क्या मिस्त्री हैं या लेबर? मिस्त्री है। मिस्त्री है, राजमिस्त्री। जी, यहाँ किसी को दिखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। तो ये 15 दिन से ये राजमिस्त्री इस मकान में यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं देखा है। और इसी तरह से, और मैं इसलिए दिखलाना चाह रहा हूँ कि कितना ये सेफ हाउस उस गैंग के लिए कितना सेफ है। जितना दुरूह होगा, जितना दुर्गम होगा अवैध काम करने वालों के लिए, वो बहुत सबसे ज़्यादा वो सेफ होता है, लिहाजा इसे सेफ हाउस नाम दिया गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का हमारा मकसद ये था कि पुलिस ये पता लगाए। सिर्फ पूछताछ के क्रम में इस लर्न प्ले स्कूल का जिक्र तो ज़रूर आया है, लेकिन पुलिस ये पता लगाए कि क्या सिर्फ नीट पेपर लीक के मामले में ही इसका इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये जो सॉल्वर गैंग है, ये गैंग और भी जो पेपर लीक हुए हैं जिनका लिंक जुड़ा है पटना से, क्या उसका इस्तेमाल, क्या इस सेफ हाउस का इस्तेमाल, क्या इस लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल का इस्तेमाल पहले भी होता आ रहा है, ये तमाम बहुत अहम बातें हैं जो पुलिस के लिए भी, और पुलिस जो कड़ियों से एक एक कड़ियों को जोड़ करके आगे बढ़ रही, इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं। झारखंड से एक मिस्टीरियस कॉल आता है और उस कॉल के आधार पर झारखंड नंबर की एक डस्टर गाड़ी की पहचान की जाती है, और उसके बाद से उसी कड़ी को जोड़ते हुए ये इतना बड़ा खुलासा होता है। आप देखिए यहाँ पर नीचे, देखिए नीचे ये लर्न प्ले स्कूल है, लर्न बॉयज हॉस्टल, और उसका ये जो ऊपरी तल्ला है, ऊपरी तल्ले के जो कमरे हैं उसमें पर्दे भी लगाए हुए हैं, उसमें जो दिख रहा है उससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर लोग रहते आए हैं। लेकिन फिर से ये बतलाना बहुत अहम है कि प्रभात रंजन मुखिया, जो संजीव मुखिया के गांव नगर नौसा के गांव के ठीक बगल में जो दनियावा है, वहां का ये मुखिया है और उसी मुखिया का ये मकान है, यानी कि इन लोगों ने एक बड़ा गैंग बना रखा है। और मेरठ से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, और बिहार और नालंदा जो कि पहले रंजीत डॉन की वहाँ भूमि रही है, रंजीत डॉन ने वहाँ से यही कुछ किया, और उसी नालंदा से फिर एक बार इतने बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हो रहा है, जहाँ सिपाही भर्ती घोटाला हो, अमीन भर्ती का पेपर लीक हो, तमाम तरह के जो बिहार में पिछले दिनों जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसमें संजीव मुखिया का बेटा अभी भी जेल में है, जो डॉक्टर शिव है, जो खुद उसने MBBS कर रखा है, अब जाहिर सी बात है उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि क्या वो MBBS इसी सॉल्वर गैंग के थ्रू, क्योंकि वो सॉल्वर गैंग के जो एक तरह से किंग पिन है संजीव मुखिया, उसका बेटा है डॉक्टर शिव, वो बीपीएससी शिक्षक जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में अभी भी बेउर जेल में बंद है। और इस पूरे गिरोह का ये अड्डा जहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा है, इस अड्डे तक अब तक किसी की पहुंच भी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ जिक्र में आया, सिर्फ सुनने में आया कि कोई एक लर्न प्ले स्कूल है जहां पर रख करके छात्रों को यहां पर रटवाया गया, प्रश्न पत्र यहीं मिले। ये कहानियों की शक्ल में जरूर सब जगह था कि लर्न प्ले स्कूल कोई है जो रामकृष्णा नगर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बगल में भी खाली ज़मीन जहाँ पर ये वीरान पड़ी हुई है, यहाँ तक जाने का शायद रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर एक बार हम आपको दिखलाते हैं यहाँ किस तरह से, ये ट्रेडमिल भी आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ लोग रहते रहे हैं। हालाँकि यहाँ आप अगर देखें, एक ट्रेडमिल दिख रहा है, कुछ कुर्सियां यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ स्लीपर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि लोग रहते आए हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर पिछले 1.5 साल से कम पिछले 1.5 साल से यहाँ पर स्कूल जैसी कोई चीज़ तो नहीं रही है, स्कूल जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं रही है। यानी कि ये एक आई वॉश के लिए इसे बॉयज़ हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कभी अगर छात्र आएँ तो किसी को शंका सुभा न हो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने बतलाया कि इस पूरे इलाके में कोई स्कूल नाम की कोई जगह हो जहाँ पर बच्चे आते जाते रहे हों, स्कूल जैसी कोई चीज़ हो, ये किसी ने यहाँ पर देखा नहीं है कि यहाँ पर स्कूल भी रहा है। इसका मतलब है कि इस पूरे गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी
तैयारी के साथ यहाँ पर कि उनका क्या धंधा है और उस धंधे में किसी ऐसी जगह की दरकार होगी, किसी ऐसे जगह की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और अपनी दरकार, इस गैंग ने अपनी दरकार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक मकान का चयन किया जो बीराने में हो, जहाँ पर पहुँचना उतना आसान नहीं हो, जिसका पता कोई नहीं बता सके, जहाँ पर बच्चों को रख करके हर वो अवैध काम जो पुलिस की नज़र से छुप कर किए जाने चाहिए उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। और इसीलिए इस लर्न प्ले स्कूल को इस जगह पे, यहाँ पे लर्न प्ले स्कूल का नाम दिया गया, जहाँ पर फिलहाल ये खुलासा हुआ है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो 4 और 5 मई की पूरी रात यहाँ पर छात्रों को रह करके प्रश्न पत्र और आंसर जो रटवाए गए वो यहीं पर हुआ था। तो बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त रूपेश कुमार, और टीवी 9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो ये जो सॉल्वर गैंग जहां पर रुका हुआ था, जिन सॉल्वर गैंग ने छात्रों को प्रश्न रटवाए, सवाल रटवाए और वो वहीं पर ही अड्डा बनाकर रखा हुआ था। पटना का ये जो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, वहीं पर ही अड्डा बनाकर रखा हुआ था, वो तस्वीर रूपेश हम तक पहुँचा रहे हैं। रूपेश, एक बार फिर से दर्शकों को आप ये बताइए कि 4-5 की जो ये रात थी उस दौरान क्या क्या हुआ था, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, सॉल्वर गैंग के कितने सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। आपने सबका नाम लिया, आपने सिकंदर, नीतीश, ये जो अमित आनंद, इसका नाम भी लिया, ये तमाम सॉल्वर गैंग जो कि रडार पर हैं EOU के टीम के, क्या हुआ था 4-5 की रात को? देखिए, बिल्कुल 4-5 की रात, सिकंदर जो है सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला है। सिकंदर, झारखंड से एक फ़ोन कॉल आता है और उसी फ़ोन कॉल के आधार पर पुलिस को यह इनपुट मिलता है कि एक झारखंड नंबर की वाइट डस्टर गाड़ी पटना में घूम रही है, जो सॉल्वर गैंग को ऐसा लगता है कि उसने पेपर लीक किया है। और एक छोटा सा इनपुट, एक मिस्टीरियस कॉल जो एक इनपुट मिलता है पटना पुलिस को, और उसके आधार पर राजवंशी नगर के पास उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और उसी गाड़ी में मिलता है सिकंदर। सिकंदर के साथ मिलता है अभिषेक और अभिषेक के साथ ड्राइवर के रूप में बिट्टू जो रोहतास का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है और इन्हीं 3 लोगों के साथ जो गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर कई एडमिट कार्ड मिलते हैं, छात्रों के एडमिट कार्ड की जीरोक्स कॉपी उसमें मिलती है और उसके बाद से पुलिस के कान खड़े होते हैं और सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है और उसके बाद से ये पता चलता है कि कहाँ बच्चों को रखा गया, बच्चे फिलहाल कहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। पुलिस एक टीम बनाती है और वो टीम पहुंच जाती है हर एग्जामिनेशन सेंटर पर। परीक्षा खत्म होने के बाद 4 छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की करने पर वो फिलहाल मौखिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उन्हें प्रश्न मिला था, आंसर मिला था और वो रट कर यहाँ पर आए हैं। और हूबहू जो आयुष राज ने बताया कि हूबहू 100% प्रश्न वही पाए गए हैं जो उन्होंने पूरी रात यहाँ पर रटा है। और आयुष राज ने सबसे पहले लर्न प्ले स्कूल का नाम लिया था ताकि, हालांकि उसने ये खुलासा नहीं किया था कि किसी एक जगह पर, क्योंकि ये जो गैंग है ये एहतियात बरतता है कि किसी को ये पता न चले इस कि किस इलाके में है। सबसे बड़ा जो क्रैकडाउन है वो हमारे सहयोगी रूपेश कुमार ने किया, जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन है, सबसे बड़ा खुलासा है, वो रूपेश कुमार लगातार कर रहे हैं। एक एक करके बड़े खुलासे टीवी 9 ने आपके सामने किए हैं। एक तरह से बिहार का ये पटना एपिसेंटर बन गया पेपर लीक मामले में। नीट से दरअसल ये मामला शुरू हुआ और क्रेडिबिलिटी पर, एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। मैं जल्दी से हरपिंदर के पास चलूंगी, मैं आऊंगी रूपेश आपके पास। चंडीगढ़ से हरपिंदर है और कुछ छात्र भी उनके साथ मौजूद हैं। हरपिंदर, अगर आप बात कर पाए तो छात्रों की इस वक्त टेंशन क्या है, क्या इस वक्त छात्र चाहते हैं? ये देखिए, बिल्कुल, मैं इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आसपास के राज्यों के जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जिन्होंने नेट का पेपर दिया था जो 18 को हुआ था और 19 को उसे रद्द कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट हैं, पहले इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, कितनी तैयारी थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिम्मत है जी, और पिछले 1.5 साल से हम नेट के पेपर की तैयारी कर रहे थे। ऐसे इस बार उम्मीद थी कि तैयारी है और अगर हम नेट का पेपर क्लियर कर लेंगे और अच्छा भविष्य, हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। पर क्या करते हैं कि वैसे ही जैसे पिछले समय में देखा कि नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, विद्यार्थी तो उसके सदमे से ही नहीं बाहर आए थे, तो उसके बाद अब पता लगता है कि कोई दूर दूर उसके राज्यों से, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हिमाचल के कांगड़ा से इधर 44 सेक्टर पेपर देने आ रहे हैं, कोई बठिंडा से आया, कोई मानसा से, अभी वो घर वापस ही
पहुंचे थे, रास्ते में उनको खबर आती है कि पेपर कैंसिल हो गया। जब आपका पेपर कैंसिल हुआ आपको कैसा लगा, क्या आपने उस समय सोचा कि इतने समय से तैयारी कर रहे थे और अचानक से पेपर की रद्द होने की आपको खबर मिलती है? मतलब 1.5 साल से तैयारी चल रही थी और अब जब हमने था उम्मीद थी कि इस बार पेपर क्लियर होगा और इसके बाद आगे अच्छी रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी को भी अच्छी रिसर्च देकर जाएंगे और भी उम्मीदें थी कि अगर हम पेपर क्लियर होता है हमारा और जो फाइनेंशियल हमारी दिक्कतें हैं वो भी अच्छी बेहतर होंगी और एक समाज को भी हम एक अच्छी देन दे पाएंगे। मतलब बहुत इनको फाइनेंशियली भी देखिए टेंशन हुई थी, कुछ और स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने भी एग्जाम दिया था, नेट का एग्जाम दिया था। आपको क्या लगा जब पेपर अचानक रद्द हो जाता है, इतनी तैयारी आपने कर रखी थी और परिवार वालों से क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने फिर कहा? देखो उम्मीदें तो बहुत थी कि नेट का एग्जाम दे रहे हैं और आगे रिसर्च, उम्मीदें बहुत थी, उम्मीदें टूटी हैं छात्रों की और छात्रों का भरोसा दरअसल टूटा है। नेट यूजीसी का जो पेपर दे रहे थे, जो कैंसिल की गई परीक्षाएं उनके छात्रों को आप सुन रहे थे, छात्रों की आवाज टीवी 9 आप तक पहुंचा रहा है। पीयूष के पास जल्दी से मैं जाऊंगी, अरपिंदर आऊंगी आपके पास पीयूष, क्योंकि इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है। बेशक सरकार की तरफ से नया कानून आ गया, कानून को आगे बढ़ाने को लेकर भी सवाल है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मामले में कैसे सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए निधि, इस मामले में अहम बात यह है कि ये स्पेशल एक्ट सरकार लेकर के आई है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित जो कानून है। अब इस मामले में देखने वाली बात यह है कि ये स्पेसिफिक कानून है और चाहे सिकंदर हो या कलंदर हो या फिर मंत्री हो या संतरी हो, सभी इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि आप इसमें स्पेसिफिक सारी चीज़ें की गई हैं, चाहे नकल हो या सेंटर फिक्सिंग हो या फिर पेपर लीक हो, संगठित अपराध हो या किसी एक व्यक्ति द्वारा कराई गई नकल हो, सभी को इसके प्रोविजंस के तहत रखा गया है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की कड़ी सजा है, संज्ञेय अपराध है और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इसमें प्रोवाइज किया गया है। तो अहम बात यह है कि सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर है, शिक्षा मंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जांच इस मामले में चल रही है, राज्यों की पुलिस कर रही है और ख़ास तौर पर पटना पुलिस, ख़ास तौर पर बिहार पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। इस मामले में तमाम याचिकाएं, 1.5 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं जो छात्रों, कोचिंग संचालकों और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी हैं और 8 जुलाई को उस मामले पर सुनवाई भी होगी। तो इस मामले में विभिन्न स्तरों पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरह से निगरानी रख रही है, तो अब किसी भी तरह से दोषी बच नहीं सकते हैं और भविष्य के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई है ताकि ऐसी हिम्मत करने से पहले, ऐसी कारगुजारी करने से पहले आदमी 100 बार सोचे कि उसके खिलाफ एक सख्त कानून है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि इस कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंशन हो और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंशन होगा तो सरकार पर और सिस्टम पर बच्चों का भरोसा एक बार फिर से कायम होगा। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, जो अपराधी है उसके अंदर भी डर पैदा होगा आगे इस तरह पेपर लीक करने से पहले, क्योंकि नकेल करने कसने की कोशिश की गई है। जल्दी से जयपुर चलते हैं ध्वज के पास। ध्वज, नए कानून को लेकर लोग समझ तो रहे हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, लेकिन छात्रों से जब आपने बात की हो तो उनको क्या लगता है, क्या ये कारगर साबित होगा, क्या सिस्टम दुरुस्त होगा इससे? बिल्कुल, मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि नए कानून को लेकर क्या सोच रहे हैं, नया जो कानून आया उसको लेकर आपका क्या सोच रहे हैं? देखो सर, कानून तो आते रहते हैं, कानून आएंगे, कानून का इम्प्लीमेंटेंस है जो लागू है वो सही ढंग से होना चाहिए और इसमें कानून के साथ साथ जो पेपर लीक किया है, सरगनाए हैं, सरकार के कार्मिक को कोई भी हो सबको अभिकट करे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की फेलियर है, सरकार का फेलियर मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सरासर सरकार का फेलियर है, एजेंसियों का फेलियर है, कार्मिकों का फेलियर है, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो कानून आया है इसको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरीके से सोचते हैं, क्या इससे कुछ राहत मिलेगी? सर, इससे राहत तो मिलेगी, पर अब तक जो इतना तनाव दे दिया गया नेशनल टॉर्चर एजेंसी के द्वारा, तो वो पहले जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो ये 3 भर्तियां इन्होंने कैंसिल की है और जो जिन्होंने पेपर आउट किया है वो खुले में घूम रहे हैं, 5,000 रुपये में इसका एनटीए का पेपर मिल रहा है, लोगों का इससे विश्वास उठ गया है, अब ओनली बिल्कुल भरोसा उठ गया। आपका क्या कहना है, ये जो नया कानून आया? सर, कानून बनना अच्छी बात है, लेकिन कानून पे जैसे भ्रष्टाचार किया, अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, 5 साल की सजा, अब 1 करोड़ का जुर्माना, उसने तो कमा लिया, चला जाएगा, उसने इतनी कमाई कर ली कि उसकी जरूरत ही नहीं नौकरी की फिर वो, तो इसलिए
जैसे प्राचीन अंग्रेजों के जमाने में जो काले पानी की सजा होती थी, वैसे काले पानी की सजाओ कर्मचारियों को, तब पता चलेगी कि काले पानी की सजा की डिमांड की है। आपका क्या कहना है, नया कानून आया, कुछ रोक मिलेगी, आप इससे जो है कितने संतुष्ट हैं? देखो, देश कानून बनाता है लेकिन कानून देश ही उसका पालन नहीं करता, नहीं सरकार ही उसका पालन नहीं करती, तो आम जनता तो कैसे करेगी। हर तरफ से यही आवाज उठ रही है कि सिस्टम को क्लीन किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब हमने बातचीत की थी तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि एनटीए में समीक्षा की जरूरत है और ये बात इसी बात को लेकर सरकार प्रतिबद्ध भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हरपिंदर आपका, ध्वज आपका, रूपेश आपका और साथ ही पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरें पहुंचाने के लिए अलग अलग इलाके से।